हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 कॉमर्स, हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमारी जो बुक्स है बीके कुमावत चैप्टर नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर है 24। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, आप उसमें अपनी बुक्स में देख सकते हैं। बीके कुमावत की एक बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है, रिजर्व है और कैपिटल अकाउंट है। लाइब्रेरी साइड की मैंने बात करी है। अब अगर असेट्स में हम देखें तो कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेब्टर्स है, स्टॉक है, मशीनरी और बिल्डिंग। नीचे एडजस्टमेंट करने के बारे में हमको बताया गया है। जैसा कि आप अपनी कॉपी में, अपनी किताब में देख पा रहे होंगे, संदिग्ध ऋण संचय 5% किया जाए, मतलब जो हमारे डेब्टर्स है उसका 5% का जो हमारा अमाउंट है वो डूब रहा है, वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, वो संदिग्ध ऋण संचय है, वो हमको प्राप्त होने की उसकी संभावना नहीं है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर डेबिट साइड में लिखा। आप देख सकते हैं हमारी बुक्स में डेब्टर्स कितने के हैं, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं डेब्टर्स हमारे 9000 के। तो ये मैंने यहाँ पर 9000 का 5% निकाला है। 9000 का कितना परसेंट है? 5%। तो ये 9000 का 5% निकला है। ये पैसा हमारा यहाँ पर डूब रहा है। हमको मिलना कितना था? 9000। लेकिन 9000 में से 5% का अमाउंट हमारा डूब रहा है, संपत्ति में लॉस हो रहा है, इसलिए हमने 450 रुपीज को यहाँ लिखा है। आपको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवेल्यूशन अकाउंट, इन दोनों का रोल एक जैसा होता है। अगर संपत्ति में हमें कमी होती है तो हम उसे आगे लिखते हैं, और अगर इंक्रीज होता है तो हम उसे पीछे की साइड लिखते हैं। स्टॉक 5% और यंत्र का मूल्य 10% से अवमूल्यन किया जाए। तो हमारा स्टॉक कितने का? स्टॉक 7000 का है। यहाँ देख सकते हैं ये स्टॉक कितने का है? 7000 का। इसका 5% अवमूल्यन हो रहा है। प्लांट कितने का है? प्लांट ने वाला प्लांट के बारे में भी बोला इन्होंने, प्लांट का 10%, तो ये 10% अवमूल्यन हो रहा है, मतलब कमी हो रही मूल्य में। तो 7000 का 5% कितना है? 350 रुपए। उसके बाद प्लांट जो है मशीनरी, उसका 6000 का 10% कितना है? 600 रुपए। तो ये असेट्स में कमी हो रही है, उसका मूल्य कम हो रहा है, और कम होने के कारण हम उसको डेबिट साइड पे लिख रहे हैं। हमारा रूल सही है कि अगर असेट्स में कमी होगी हम डेबिट में लिखेंगे, असेट्स इंक्रीज होगा तो हम उसे कहां लिखेंगे? हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 3 में, यहां हमारी जो बिल्डिंग है उसकी जो वैल्यू बताई गई है वो 15100 है, और हमारे बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू कितनी दी है? तो इसकी वैल्यू दे रखी है 14000। तो 15100 में से अगर हम 14100 घटाएंगे, देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 15100, हमको यहाँ नीचे बताई गई है बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में दिए, और बैलेंस शीट में कितना दिया है? 14000। मतलब इसके मूल्य में वृद्धि हुई है। बिल्डिंग हमारे पहले 14000 की थी, बाद में इसमें इंक्रीज होकर के 15100 आए, मतलब कितने की वृद्धि हुई? 1100 की। तो ये वृद्धि को हमने, संपत्ति में वृद्धि होती है तो उसको हमने बाई साइड में लिखा है। डेबिट साइड का जोड़ था जो कि हमारा 1400 आ रहा है, और क्रेडिट साइड का जो हमारा जोड़ हो रहा है, क्रेडिट साइड है हमारी और ये हमारी डेबिट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट साइड का जोड़ 1400 हो रहा है, और क्रेडिट साइड का जोड़ जो हो रहा है वो 1100 हो रहा है। डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस कितने का है? 300 का। ये डिफरेंस बाई साइड का है, इसलिए इसको हम लॉस कह सकते हैं, और ये लॉस ट्रांसफर होकर के कहां जाता है? नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर हमारे 3 पार्टनर थे एबीसी, डिफरेंस की जो राशि वो 300 है। हमारे बुक्स में जो रेशियो दे रखा है 3:2:1 दे रखा है, वो उसी रेशियो के हिसाब से हमने इसको यहाँ पर डिवाइड किया है। तो ए का जो अमाउंट आया लॉस का वो 150 है, बी का जो अमाउंट आया हमारा वो 100 है, और सी का जो हमारा लॉस का अमाउंट आया है वो 50 रुपीज है। इस प्रकार से टोटल लॉस की राशि हमारी हो गई 300। तो ये हमारा यहाँ पर बना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद सेकंड नंबर पर हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप चैप्टर नंबर 2 से जानते हो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय साइड पे हम कैपिटल लिखते हैं, पार्टनर्स की के पूंजी लिखते हैं। तो हमने यहां लिखा है बाय बैलेंस शीट 10000 10000 और 10000, ये हमने अपनी बैलेंस शीट में से देख करके से यहां लिखा है। फिर हमारी बुक्स में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड दे रखा है, और ये रिजर्व फंड भी कहां लिया जाता है? ये लिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बाय रिजर्व फंड ये 6000 को हमने 3:2:1 3:2:1 में हमने इसको डिवाइड किया, तो पहले का 3000 आएगा, दूसरे का 2000 आएगा, और लास्ट वाले का 1000 रुपए आएगा। तो इस प्रकार से ये क्रेडिट साइड की हमने बात करी। फिर हम यहाँ देखें कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है,
उसका जो आंसर निकला था वो क्या था, लॉस था। आप देख पा रहे हैं ये लॉस बाय में निकला था, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ट्रांसफर होकर के डेबिट साइड आएगा और इसको हम यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉस। ये क्या है तो लॉस है। इसको हमने इसी क्रम में लिखा जैसा यहां दे रखा है, ए में लिखा 150, बी में लिखा 100 और सी में लिखा है 50 रुपीस। हमने यहां पर ए का टोटल क्या क्रेडिट साइड में जो कि 30,000 हो रहा है और 30,000 में से 150 को लेस किया है तो हमारे जो डिफरेंस की राशि आई है वो 12,850 आया है। बी साइड का हमने क्रेडिट साइड पर टोटल क्या है, इसका टोटल हो रहा है 12,000 में से माइनस किया हमने 100, इसका आंसर है 11,900। उधर 11,000 है, 11,000 में से 50 रुपीस को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 10,950 रुपीस। ये टू बैलेंस शीट पार्टनर्स की पूंजी है, कैपिटल है। अब ये कैपिटल जो पहले यहाँ 10,000 रुपए दी गई थी वो बढ़ करके अब इस पोजीशन पे आ गई है। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ दो खाते बनाए हैं, एक तो बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिस प्रकार से हम खाते बनाते हैं, जिन नियमों का पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको पालन करके हमने बनाया है। और सेकंड नंबर पर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। तो ये सवाल हमारा यहीं पर समाप्त होता है।